उसे मुझे लगा कि पूरी इनिंग वो प्रेशर में खेले और जब वो टाइम आया चार्ज करने का तो वो कर नहीं सके, हालांकि जितना बड़ा वो प्लेयर है। पाकिस्तान को इंडिया के हाथों इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा, जिसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर का बड़ा बयान सामने आ चुका है। पाकिस्तान की हार पर मोहम्मद आमिर ने ज़का अशरफ और बाबर आसम को खरी खरी सुना दी। नासरीन, आप जानते हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच हुआ, लेकिन इस मैच से पहले ये कहा गया कि ये मैच फिक्स कर लिया गया है और ऐसा ही हुआ। पाकिस्तान को इबरतनाक शिकस्त हुई भारत के हाथों। अब हर तरफ यही खबरें जेरे गर्दिश हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो मैच खेला गया था ये पहले से ही फिक्स कर लिया गया था। बाबर आजम और ज़का अशरफ को काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि पीसीबी को और आईसीसी को इसके खिलाफ बड़ा एक्शन लेना चाहिए। नासरीन, मोहम्मद आमिर ने भी इस हवाले से बड़ा बयान जारी करते हुए कहा कि ये जो परफॉर्मेंस थी वो इंतहाई घटिया तरीन परफॉर्मेंस थी। चंद डॉलर्स के लिए पाकिस्तान ने हार कबूल कर ली और ऐसा करके इन्होंने मुल्क पाकिस्तान का नाम भारत में जाकर मिट्टी में मिला दिया है। नाज़रीन, आपकी इस हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट में लाजमी दीजिएगा।